इस रिव्यू के स्पॉन्सरर्स हैं आप यानी मेरी ऑडियंस, और मैं किसी ब्रांड का स्पॉन्सर्ड कंटेंट अपने चैनल पे नहीं चलाता, क्योंकि मैं अपने रिव्यूज के अंदर अच्छी अच्छी बातें बोलने के बजाय अनकंफर्टेबल ट्रूथ ही बोलना पसंद करता हूँ। मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब और ज्वाइन करें मेरे चैनल को। एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म ज्यादा बेटर है या iOS? लॉजिटेक का Z906 ज्यादा बेटर है या सोनी का IV300? इन सवालों का सीधा जवाब कोई नहीं देता, लेकिन आज मैं आपको इस सवाल का सीधा जवाब दूंगा जब मैं कंपेयर करूंगा इन दोनों होम थिएटर सिस्टम्स को एक दूसरे के साथ, और साथ में ऐड करूंगा यामाहा का YHT1840 इस कंपैरिजन में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल VM1। मेरा नाम है विनीत और आप तैयार हो जाइए एक जबरदस्त कंपैरिजन के लिए। दोस्तों, हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी इन तीनों में से एक सिस्टम हो और आप मेरी दी गई रैंकिंग से अग्री ना करें, लेकिन अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे और मेरे रीजन सुनेंगे तो आप भी अग्री करेंगे, क्योंकि इन तीनों सिस्टम्स को मैंने एक ही ऑडियो और एक ही वीडियो फाइल चला के टेस्ट किया है, और मैं इन तीनों के प्रोज और कॉन्स आपको इस वीडियो में बताऊंगा और इनको रैंकिंग दूंगा मैं वीडियो के एंड में। सबसे पहले बात करते हैं लॉजिटेक के Z906 के बारे में। ये सिस्टम दो फ्रंट स्पीकर्स, दो बैक सराउंड स्पीकर्स, एक फ्रंट वोकल स्पीकर और एक एक्टिव सबवूफर के साथ आता है। सभी स्पीकर्स 3 इंच के कोन ड्राइवर्स के साथ आते हैं और सबवूफर आता है 8 इंच के ड्राइवर के साथ। इस पूरे सिस्टम का टोटल आउटपुट बनता है 500 वॉट्स। ये सिस्टम सपोर्ट करता है डॉल्बी डिजिटल और DTS डिजिटल को, लेकिन सैडली कोई भी वीडियो फॉर्मेट, यहां तक कि 4K पास थ्रू भी ये सिस्टम सपोर्ट नहीं करता। जैसे ही आप लॉजिटेक को सुनेंगे, 2 मिनट के लिए आपको विश्वास ही नहीं होगा कि इतने छोटे से सैटेलाइट स्पीकर से इतनी जबरदस्त ऑडियो कैसे आ रही है। फिर आपकी नजर जाएगी उस 8 इंच के एक्टिव सबवूफर पे और हर स्पीकर पे लिखे THX पे, तो आप समझ जाएंगे कि इसे कहते हैं थंपिंग बेस। जवाब नहीं लॉजिटेक का, आप किसी भी मीडियम साइज रूम में 33 वॉल्यूम तक ले जा नहीं सकते इस सिस्टम को। जो लोग THX नहीं जानते, उनके लिए बता दूं कि एक सर्टिफिकेशन होती है जो इंश्योर करती है कि ऑडियो उसी क्वालिटी में आपको सुनाई देगी जिस क्वालिटी में वो रिकॉर्ड हुई थी। बट देयर इज अ कैच। ये सर्टिफिकेशन ली गई थी कई साल पहले 2010 में, और तब जिन ऑडियो फॉर्मेट्स में रिकॉर्डिंग होती थी, आज हम उन्हीं फॉर्मेट्स को लो क्वालिटी का कहते हैं। और जो फर्क है वो है ज्यादा क्लैरिटी और हाई नोट्स का, जिसकी कमी इस सिस्टम में देखने को मिलती है। ये सिस्टम हर म्यूजिक और हर मूवी को प्ले तो करेगा, लेकिन हर नए ऑडियो फॉर्मेट को डिकोड नहीं कर पाएगा। मैं जबरदस्त तरीके से इम्प्रेस हुआ इस सिस्टम की लो और मिड फ्रीक्वेंसी साउंड से, यानी बेस और डायलॉग क्लैरिटी से, लेकिन अगर इस सिस्टम में वूफर्स के साथ साथ ट्वीटर्स भी होते तो शायद ये अनबीटेबल सिस्टम बन जाता। इस सिस्टम के अंदर आपको 2 SPDIF पोर्ट्स मिलेंगे, एक को एक्सियल इनपुट मिलेगा, एक RCA इनपुट मिलेगा और एक हेडफोन जैक मिलेगा। सैडली इस सिस्टम के अंदर हमें HDMI और ब्लूटूथ देखने को नहीं मिलता। 2020 में हम HDMI 2.1 हर सिस्टम में एक्सपेक्ट करते हैं, पर इस सिस्टम में HDMI मिसिंग होने से ये प्रॉपर होम थिएटर सिस्टम नहीं बन पाता, क्योंकि SPDIF पोर्ट हर TV में होता नहीं और AUX या RCA इनपुट से ना ही 100% आउटपुट आता है और ना ही डॉल्बी डिजिटल डिकोड होता है। अब बात करते हैं सोनी के IV300 के बारे में। ये सिस्टम आता है 2 फ्रंट स्पीकर्स, 2 बैक सराउंड स्पीकर्स, 1 फ्रंट वोकल स्पीकर और 1 पैसिव सबवूफर के साथ। सभी स्पीकर्स 2.5 इंच के ड्राइवर्स के साथ आते हैं और सबवूफर आता है 7 इंच के ड्राइवर के साथ। इस सिस्टम का टोटल साउंड आउटपुट बनता है 1000 वॉट्स। ये सिस्टम सपोर्ट करता है डॉल्बी डिजिटल, डॉल्बी डिजिटल प्लस और DTS HD को। सैडली ये सिस्टम कोई वीडियो फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करता, लेकिन ये सपोर्ट करता है 4K पास थ्रू, लेकिन सिर्फ HDMI इनपोर्ट से। इफ यू मीन बेस, यू मीन सोनी IV300। ग्राउंड ब्रेकिंग एंड होम शेकिंग बेस अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, देन लुक नो फर्दर। ये सिस्टम हर हफ्ते 2 या 4 नेबर से आपकी लड़ाई करवा ही देगा। मुझे लगता है सोनी ने इस सिस्टम को बनाते हुए इंडियंस की बेस लाइकिंग को कुछ ज्यादा ही अच्छे से समझ लिया। पर बेस इतनी अच्छी है तो कुछ तो कॉम्प्रोमाइज होगा ही, और वो है हाईज और मिड्स। जैसे लॉजिटेक में डायलॉग क्लैरिटी मिलती है, वो सोनी में मिसिंग है 250 वॉट का वोकल चैनल होने के बावजूद भी। इस सिस्टम में अगर आपने म्यूजिक सुन लिया
तो इसे खरीदे बिना आप घर वापस नहीं जाएंगे। इसलिए मेरा ये मानना है कि म्यूजिक के लिए ये सिस्टम एक बेस्ट चॉइस है। ये सिस्टम डॉल्बी डिजिटल को डिकोड तो करता है, लेकिन सराउंड चैनल्स मुझे उतने इम्प्रेसिव नहीं लगे, और इसका कारण है बेस का ओवरपावर्ड होना। पर बेस ओवरपावर्ड होने के बाद भी आपको डिसॉर्शन नहीं मिलेगी इस सिस्टम में। मैं इस सिस्टम के लिए भी यही सोचता हूँ कि लॉजिटेक की तरह इस सिस्टम में भी ट्वीटर्स होते तो शायद ये गजब का सिस्टम होता। इस सिस्टम में आपको दो HDMI इन, एक HDMI आउट जो कि ARC पोर्ट है, एक USB, एक ऑप्टिकल पोर्ट और एक ऑक्स पोर्ट मिलेगा। ये सिस्टम सपोर्ट करता है ब्लूटूथ और NFC को, और इस सिस्टम में आपको मीरा का सपोर्ट भी मिलेगी। इस सिस्टम में दो HDMI इन पोर्ट्स होने से आप अपने सेट टॉप बॉक्स और गेमिंग कंसोल को कनेक्ट करके HDMI आउट पोर्ट से टीवी को कनेक्ट कर सकते हैं और सभी सोर्सेस से जबरदस्त साउंड को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इस सिस्टम के दोनों HDMI पोर्ट्स 4K पास थ्रू को सपोर्ट करते हैं, बट कोई और वीडियो फॉर्मेट सपोर्ट ना करने की वजह से ऑडियो तो आपको डिजिटल मिलेगी पर वीडियो डॉल्बी विजन या HDR10 नहीं मिलेगा, चाहे आपका टीवी उसे सपोर्ट भी क्यों ना करता हो। अब बात करते हैं यामाहा के YHT-1840 के बारे में। ये सिस्टम दो फ्रंट स्पीकर्स, दो बैक सराउंड स्पीकर्स, एक फ्रंट वोकल स्पीकर और एक पैसिव सबवूफर के साथ आता है। सभी स्पीकर्स 2.75 इंच के ड्राइवर्स के साथ आते हैं, जबकि सबवूफर आता है 6.5 इंच के ड्राइवर के साथ। इस सिस्टम का टोटल ऑडियो आउटपुट बनता है 600 वॉट्स। ऑडियो फॉर्मेट्स की बात करें तो ये सिस्टम आपको देता है डॉल्बी डिजिटल, डॉल्बी डिजिटल प्लस और सिनेमा DSP की सपोर्ट। वीडियो फॉर्मेट्स की बात करें तो 4K पास थ्रू एट 60 फ्रेम्स पर सेकंड के अलावा ये सिस्टम आपको देता है वाइट कलर गैमेट, HDR10, HLG और डॉल्बी विजन प्लेबैक। अगर आप इस सिस्टम को टेस्ट करना चाहते हैं, देन मेक श्योर कि आप सोनी और लॉजिटेक को सुनने के बाद ही इसे सुने, और हाँ, वही सेम ट्रैक्स और मूवीज के साथ। आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप तुरंत इस सिस्टम को पसंद करने लगेंगे, क्योंकि जो नोट्स ये सिस्टम आपको सुनाएगा वो बाकी दोनों में आपने सुने ही नहीं होंगे। एंड दैट्स why दिस इज Yamaha। परफेक्टली बैलेंस साउंड, एब्सोल्यूट क्लैरिटी, नो ओवरपावर्ड बेस, चाहे वो म्यूजिक हो या फिर मूवीज। बट Yamaha, लॉजिटेक और सोनी जितना लाउड नहीं है। मेरे हिसाब से ये सिस्टम सोनी से 25% कम लाउड होगा अपनी फुल वॉल्यूम पे। लोज और मिड्स यानी बेस और वोकल्स को बढ़ाने की ऑप्शन आपको इस सिस्टम में मिलती है, पर ऑनेस्टली मुझे लगा ही नहीं कि मुझे कुछ चेंज करना चाहिए। अपनी डिफॉल्ट साउंड सेटिंग्स में ये सिस्टम इतना परफेक्टली बैलेंस्ड है कि आप सराउंड साउंड और डॉल्बी डिजिटल को तुरंत एक्सपीरियंस करेंगे। बेस लवर्स के लिए ये सिस्टम बिल्कुल ठीक नहीं है, उन्हें सोनी या लॉजिटेक ही लेना चाहिए। इस सिस्टम में आपको चार HDMI इन और एक HDMI आउट पोर्ट मिलेगा जो कि ARC पोर्ट है। ये सिस्टम आपको देता है एक USB पोर्ट, एक ऑप्टिकल पोर्ट और एक हेडफोन जैक। सैडली इस सिस्टम के अंदर आपको ब्लूटूथ या वाईफाई की सपोर्ट नहीं मिलती। चार HDMI इन पोर्ट्स और सभी में 4K पास थ्रू और सभी वीडियोज और ऑडियो फॉर्मेट्स का प्लेबैक, एंड दैट्स वेरी इंप्रेसिव। क्योंकि कोई भी इतने पैसे खर्च करेगा तो ऑडियो और वीडियो दोनों क्वालिटीज बेस्ट ही एक्सपेक्ट करेगा, पर वही बायर आज की डेट में अपने सिस्टम से ब्लूटूथ और वाईफाई कनेक्टिविटी भी एक्सपेक्ट करता है, जो कि एक लौती कमी लगी मुझे इस सिस्टम में। आप लॉजिटेक लीजिए अगर आपको इसे कंप्यूटर के साथ लगाना हो और आप मूवी ज्यादा देखते हो, क्योंकि उसमें डायलॉग्स यानी वोकल्स की क्लैरिटी इज अ मस्ट, और ये सिस्टम आपको वोकल क्लैरिटी के साथ साथ अच्छी बेस भी देगा। लेकिन एक बात, आप इसे ग्रे मार्केट से मत लीजिएगा, यानी स्मगल किया हुआ बिना बिल का सिस्टम मत खरीदिएगा। आप सोनी लीजिए अगर आप एक होम थिएटर लेना चाहते हैं और म्यूजिक के बहुत ज्यादा शौकीन हैं। ये सिस्टम मिड्स में थोड़ी स्ट्रगल करता है, लेकिन म्यूजिक के लिए बेस्ट है। मूवीज भी बहुत अच्छी दिखाएगा, लेकिन बेस्ट एक्सपीरियंस नहीं दे सकता। अगर आप एक प्रॉपर होम थिएटर एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आप Yamaha लीजिए, जो कि हर तरीके से आपको एक बैलेंस साउंड प्रोड्यूस करके दे, ना ज्यादा ओवर पावर्ड घर को हिला देने वाली बेस और ना ही अंडर पावर्ड वोकल्स, और साथ ही आप सभी पॉपुलर वीडियो फॉर्मेट्स को भी एंजॉय कर पाएं। कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइएगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में, और ये भी बताइएगा कि आप इनमें से अपने लिए कौन सा सिस्टम लेना ज्यादा पसंद करेंगे या आपके पास कौन सा सिस्टम ऑलरेडी है।
मैं आपके लिए एक बजट साउंड बार का वीडियो भी जल्दी लेके आ रहा हूं, जो मैंने खुद अपने लिए खरीदी है। जल्दी ही मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।